हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी प्री के प्रारंभिक परीक्षा का जो हमारा अभ्यास सीरीज चल रही है, आज हमारे एपिसोड 19 की बात करेंगे। एपिसोड हमारे 18 बन चुके हैं और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन की लिंक में है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी 18 वीडियो तक, तो आप लोग देख लीजिएगा, पूरी है। ठीक है, साथ में आज हम बात करेंगे जो एपिसोड हमारा 19 होने वाला है और टेस्ट सीरीज है। एमपी के क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप अभी जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा इम्पोर्टेंट क्यों। अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो स्कैन करके आप लोग हमारे ऐप को, नट लर्निंग ऐप नाम से ऐप है, इसको डाउनलोड करके आप पीडीएफ या बहुत सारी चीजों की टेस्ट सीरीज मटेरियल आप लोग देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी फायदा उठा सकते हो। तो एक ट्राई तो बनता है दोस्तों, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के हम जो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं, आज के जो हमारा पहला क्वेश्चन है तो उसको देख लेते हैं। 181 से स्टार्टिंग हो रही है, तो आप ये सोच रहे हो क्या ये 181 से कैसे, क्योंकि एपिसोड जो हमारे 18 बन चुके हैं वहां पर हम आगे के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं 181 क्वेश्चन की। 19 हमारा एपिसोड है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में खनिज की बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश में जो सबसे अधिक मात्रा में खनिज पाया जाता है और कौन सा है, तो है सबसे अधिक मात्रा में मैंगनीज पाया जाता है। कौन सा? मैंगनीज। तो क्योंकि मैंगनीज तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मैंगनीज किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा उस जिले का नाम। हालांकि हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खनिज जो पाया जाता है वो मैंगनीज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। बेमेल का मतलब ये है कि तीन इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही है। सही का मतलब क्वेश्चन के डिमांड से नहीं, वो ऑप्शन ही सही है, लेकिन एक इसमें गलत है और उस गलत का ही इस क्वेश्चन के डिमांड से सही होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे नजर करें, इसमें पूछा गया है बेमेल कौन सा है। तो यहाँ पर हम पहले कथन पर पढ़ें तो अमलाई कागज का उत्पादन होता है, अमलाई में ही कागज का उत्पादन होता है, ये तो बिल्कुल सही है। मझगवा में हीरा का उत्पादन होता है, ये भी सही है। बेल्लाडीला में लोहे अयस्क का उत्पादन होता है, ये भी सही है। आप देखोगे भीमबेटका में मैंगनीज का उत्पादन नहीं होता है। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका में प्राचीन समय की प्रातात्विक है चीजें हैं, अवशेष हैं, वो चीजें भीमबेटका में मिलती हैं। तो भीमबेटका रायसेन जिले के पास में है, स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर जो तीन ऑप्शन है, अमलाई है, मझगवा है और बेल्लाडीला है, ये तीन ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। भीमबेटका का जो मेल है वो मैंगनीज से बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2001 और 2011 के दौरान, बात कर रहा है 2001 से लेके वर्ष 2011 के दौरान इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला रहा है, जहां पर जनसंख्या का प्रतिशत 32.7 था। यहां पे कहा जा रहा है कि एक दशक था जो 2001 से 2011 के दौरान इंदौर शहर की अगर बात करें तो जनसंख्या के पॉपुलेशन के मामले में जो वृद्धि हो रही थी टॉप पर हो रही थी, लेकिन इस दिशा में दूसरा स्थान किस जिले का आता है? तो फर्स्ट नंबर पर तो आ गया है आपका इंदौर, लेकिन अब ये बात कर रहा है कि सेकेंड स्थान किस जिले का है, तो यहाँ पे झाबुआ जिले का है। किसका है? याद रखिएगा, झाबुआ जिले का सेकेंड नंबर पर स्थान आता है। देखो क्वेश्चन पहला वाला सबको पता है, इंदौर जनसंख्या वृद्धि के मामले में दशक में टॉप पर था। अब पूछा जा सकता है कि दूसरा कौन सा था जिला, तो झाबुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंचाई परियोजनाएं मध्य प्रदेश और उसके निकटवर्ती राज्य की संयुक्त परियोजनाएं हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? वही क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन ऐसा है इसमें जो जोड़ा सही नहीं है। तीन जो परियोजनाएं हैं मध्य प्रदेश के साथ में परियोजना संयुक्त रूप से चल रही है। अगर हम इस क्वेश्चन की देखें, बाघ परियोजना महाराष्ट्र सरकार के साथ चल रही है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सबनाई जो परियोजना है वह उड़ीसा और मध्य प्रदेश के साथ चल रही है। ठीक है, अगर हम बात करें, राजघाट परियोजना है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ चल रही है, लेकिन अगर वही बात की जाए साकेदाना परियोजना, ये गुजरात के साथ नहीं चल रही है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऊपर के ए बी सी तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। तो साकेदाना जो परियोजना है मध्य प्रदेश और किस राज्य के द्वारा चल रही है, कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान और 25 अभयारण्य हैं। ये मध्य प्रदेश के कुल वन के लगभग कितने प्रतिशत भाग में है? देखो मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है इसको याद रखिएगा, मैंने ये नहीं कहा है कि वर्तमान में यही है। क्वेश्चन ने बोला है कि 9 राष्ट्रीय उद्यान और 25 अभयारण्य जो हैं वो कुल वन के लगभग कितने प्रतिशत भाग में फैले हुए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 14.05%। कितना? 14.05% क्षेत्र में फैले हुए हैं। आप लोग पता होगा कि हमारे एमपीपीएससी के नाम से, एमपीपीएससी इन न्यूज के नाम से
एक हमारी सीरीज चलती है जहां पर हम एमपी के करंट अफेयर्स कवर करते हैं। अगर आप लोग वो नहीं देखते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम बहुत जल्दी एमपी पीएससी के लिए टारगेट टारगेट नाम से सीरीज चालू करने वाले हैं करंट अफेयर्स की। उसमें पूरी साल का करंट अफेयर्स होगा आप लोगों को, टारगेट नाम से ही फेमस है, और प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए वो हम बना रहे हैं। तो जल्द ही वो आपके लिए सामने आ जाएगी, तो जल्दी उस पर भी आप देखते रहिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की जो भूमिहीन निर्धन महिलाएं होती हैं उनकी सहायता के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी योजना चलाई जा रही है? यहाँ बात की जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं वो महिलाएं कैसी हैं? निर्धन हैं और भूमिहीन। कैसी हैं? भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन निर्धन महिलाएं हैं, उन निर्धन महिलाओं के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है मध्य प्रदेश में? तो आपको पता होना चाहिए, आयुष्मती योजना चलाई जा रही है। कौन सी? आयुष्मती योजना, याद रखिएगा, आयुष्मती योजना को चलाया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, हो सकता है ये पूछ ली जाए इस बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा अंत्योदय कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है? देखो, मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है एक अंत्योदय कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है? अंत्योदय कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आपको पता है, लेकिन अब पूछ रहा है कि किस और नाम से जाना जाता है। तो इसको दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है वीडियो को, तो कर लीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप की, ऐप का नाम है नट लर्निंग ऐप, जहां पर आपको एमपीपीएससी के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में ऑनलाइन आप मोबाइल से ही टेस्ट सीरीज दे सकते हो। 238 टेस्ट, लगभग 23,000 क्वेश्चन के साथ टेस्ट सीरीज बनी हुई है, जिसमें आप लोग के लिए जीएस, सीसेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तीनों को कवर किया गया है। इंपॉर्टेंट है, एक बार चेकआउट करके देख लो आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, पैसा नहीं लगता है, फ्री में देखना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना है जो राज्य की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है? देखो, राज्य में बहुत सारी परियोजनाएं चालू होती हैं सिंचाई के उद्देश्य से, लेकिन पूछ रहा है कि अंतरघाटी परियोजना पहली कौन सी है? ऐसी कौन सी है जो मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना अंतरघाटी परियोजना है, पहली है? तो उसका नाम है चोरल सिंचाई परियोजना। कौन सी है? चोरल सिंचाई परियोजना, याद रखिएगा, चोरल सिंचाई परियोजना पहली ऐसी है जो मध्य प्रदेश की अंतरघाटी परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी सरकार आपके द्वार, क्या है? आपकी सरकार आपके द्वार जो योजना है पूरे मध्य प्रदेश में कब से लागू की गई थी? अब सभी को पता होता है कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार आपके द्वार योजना लागू की गई है, लेकिन कब से लागू की गई है? तो यह 15 मई, कब से? 15 मई 1989 से लागू की गई है, याद रखिएगा, 15 मई 1989 से इसको लागू किया गया है। आपकी सरकार आपके द्वार मध्य प्रदेश की योजना है। विवादास्पद रहा है नर्मदा सागर परियोजना, उसकी अंतर्गत जो नर्मदा सागर बांध बना है खरगोन जिले में कहां निर्माणरत है? बात की जा रहा है कि जो नर्मदा सागर बांध है, नर्मदा सागर परियोजना के तहत बन रहा है, वह खरगोन जिले में तो है, लेकिन खरगोन जिले में कहां पर निर्माणरत है? तो वह पुनासा में निर्माणरत है। कहां पर? पुनासा, याद रखिएगा, पुनासा में इसको निर्माणाधीन कार्य हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 नवंबर 1956 से अब तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर लगातार सर्वाधिक काल तक कौन बने रहे हैं? बात कर रहा है कि 1 नवंबर 1956, क्यों इंपोर्टेंट 1 नवंबर 1956, जल्दी से कमेंट में बताइएगा। तब से लेके अब तक जो सीएम रहे हैं मध्य प्रदेश में, सबसे अधिक बार कौन से रहे हैं? अगर हम क्वेश्चन में जो कथन है उनके हिसाब से देखें तो दिग्विजय सिंह रहे हैं। कौन रहे हैं? दिग्विजय सिंह। अगर इनके बाद अगर क्वेश्चन में शिवराज सिंह चौहान आता है तो आप उन पर भी टिक लगा सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है तो उन पर भी आप टिक लगा सकते हैं। कितनी बार शिवराज सिंह चौहान रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, पुरी जिसका उड़ीसा में स्थित है, वहां पर कोणार्क मंदिर की भांति ही, क्योंकि आपको पता होगा पुरी के उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है। कहां पर है? उड़ीसा में पुरी के कोणार्क मंदिर स्थित है। कौन सा है? कोणार्क। किस लिए है? ये सूर्य मंदिर है, कोणार्क का ये सूर्य मंदिर है, याद रखिएगा। इसी तर्ज पर ही मध्य प्रदेश के उमरी और मड़खेरा में भी सूर्य मंदिर है, लेकिन यह किस स्थान के जिले पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले पर स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा टीकमगढ़ जिले में, याद रखिएगा, टीकमगढ़ जिले में स्थित है।
अब देखो क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है ना, ये थोड़ी ना यही पूछा जाए कि पुरी के उड़ीसा में कौन सा मंदिर है या कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है। अब ये पूछा जा सकता है ना उसकी भांति ही मध्य प्रदेश की उमरी और जो मड़खेरा में है सूर्य मंदिर वो है किस जिले में है, तो आपको पता होना चाहिए टीकमगढ़ जिले में है। कहाँ पर है? टीकमगढ़ जिले में। ठीक है, आदिवासी कला, लोक कला और पारंपरिक कला, कौन सी कलाएं हैं? आदिवासी कला है, लोक कला है और पारंपरिक कला है। क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो यह सम्मान की बात कर रहा है जो आदिवासी कला है उसके लिए, लोक कला है उसके लिए और पारंपरिक कला है। कैसी है? पारंपरिक कला है उसके लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो यहां पर सम्मान जो है वो तुलसी सम्मान दिया जाता है। कौन सा? याद रखिएगा, तुलसी सम्मान दिया जाता है। क्या रखिएगा? तुलसी सम्मान। इंपोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा सम्मान है? तुलसी सम्मान दे रखता है। आदिवासी कला, लोक कला, पारंपरिक कला के क्षेत्र में। भोपाल के निकट मंडी द्वीप में, भोपाल के पास में ही मंडी द्वीप है, वहां पर देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? क्वेश्चन पुराना है लेकिन इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि भोपाल के मंडी द्वीप में लगा है। अब दो यहां पर मैंने आपको देखो तो 3 से 4 क्वेश्चन को कवर किया है। कैसे किया है? सबसे पहले तो किया है कि भोपाल के निकट कौन सा कहां पर लगा है? मंडी द्वीप में लगा है, एक क्वेश्चन तो ये कवर हो गया। दूसरा है देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कहां लगा है? राज्य मध्य प्रदेश में लगा है, भोपाल में लगा है, मंडी द्वीप के पास लगा है। किसके सहयोग से लगाया गया है? अगर आ जाए तो जापान के सहयोग से लगाया गया है। किसके? जापान के सहयोग से लगाया गया है मंडी द्वीप में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ है, कौन सी है? धूपगढ़ है। कितने मीटर की है? 1350 मीटर की है। लेकिन ये किस भाग में स्थित है? अब सभी को पता है मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ है। तैयारी करने के दौरान सबसे पहले यही क्वेश्चन रटने को मिलता है, लेकिन अब क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि ये चोटी किस भाग में स्थित है तो आपको पता होना चाहिए ये चोटी जो है वो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी भाग में स्थित है। कहाँ पर है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के भाग में स्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर हम। मध्य प्रदेश में चंबल घाटी का उद्गम जाना पाओ की पहाड़ी से होता है। किसकी पहाड़ी से होता है? जाना पाओ पहाड़ी से होता है। सबको पता है चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो जाना पाओ की पहाड़ी से होता है, लेकिन जाना पाओ की पहाड़ी भी किस क्षेत्र में स्थित है? ये क्वेश्चन तो बन सकता है ना, ये नया क्वेश्चन है। तो ये मध्य उच्च प्रदेश में स्थित है। कहां पर? मध्य उच्च प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, जाना पाओ की पहाड़ी अगर आ जाए तो मध्य उच्च प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तापती नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये क्वेश्चन पहले आता था इस तरीके से, लेकिन अब पूछा जाता है कि तापती नदी का उद्गम जिस क्षेत्र से स्थित है वह क्षेत्र कहाँ पर है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन। हालांकि हम तापती नदी की अगर उद्गम की बात करें, तापती नदी जो है उसका उद्गम मुलताई से होता है। कहाँ से होता है? मुलताई से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्रीष्म काल में मतलब की गर्मियों के समय में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? क्वेश्चन में जो कथन है उनके लिहाज से अगर देखा जाए जो गर्मियों में सर्वाधिक गर्म स्थान मध्य प्रदेश में पाया जाता है वो कौन सा है? वो आपका है ग्वालियर। कौन सा है? ग्वालियर है दोस्तों। ये देखिएगा, कथन के हिसाब से ग्वालियर आपका सबसे गर्म स्थान के रूप में जाना जाता है। शीतकाल में सर्दियों में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो ठंडियों की बात कर रहा है, सर्दी में जो ठंडा स्थान है सबसे अधिक वो कौन सा है? तो अगर देखा जाए तो पचमढ़ी है। कौन सा है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी है। अच्छा, कभी कभी ऑप्शन में अगर नौगांव का आता है तो नौगांव भी छतरपुर के पास में डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भी है, तो उसको भी आप थोड़ा सा देखते रहिएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा क्वेश्चन हमारा कैसा है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। खरमोर पक्षी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? खरमोर पक्षी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खरमोर पक्षी के लिए विख्यात। मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी के लिए कौन सा सबसे प्रमुख है? तो आपको पता होना चाहिए सैलाना। कौन सा है? सैलाना। प्रीवियस ईयर आप लोगों ने अगर लगाया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि खरमोर पक्षी कहाँ सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? सैलाना राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अगर आप लोग पता है कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष? डॉक्टर फजल अली। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार में कई बार पूछा जा चुका है इसको, इसको नजरअंदाज आप लोग नहीं कर सकते हो।
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर फजल अली थे। किस वृक्ष से गोंद प्राप्त होता है? याद रखिए, क्या बात कर रहा है, गोंद प्राप्त किस वृक्ष से होता है? तो जो गोंद है वो आप लोग पता होना चाहिए, बबूल के वृक्ष से। किससे? बबूल के वृक्ष से, बबूल के वृक्ष से गोंद को प्राप्त किया जाता है। अच्छा, बीड़ी उद्योग कौन से पेड़ से किया जाता है? बीड़ी उद्योग, बताइए बीड़ी उद्योग से कौन सा वृक्ष संबंधित है? इन्हीं चारों में से बता दो आप लोग कौन सा, कमेंट करके जल्दी से। गोंद की बात की जाए तो बबूल वृक्ष से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता सर्वाधिक किस उद्योग में प्रयुक्त होता है? तेंदुपत्ता की बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता है वो सबसे अधिक प्रयोग इसका किस उद्योग में किया जाता है? तो बीड़ी उद्योग में किया जाता है। मैंने आप लोग को अभी पूछा था, आप लोगों ने बताया है तो बेस्ट है, नहीं बताया तो कोई बात नहीं। बीड़ी उद्योग में तेंदुपत्ता का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पहले कौन सा स्थापित किया गया था? तो आप लोगों से मैंने पूछा भी था, कान्हा किसली। कौन सा है? कान्हा किसली जो नेशनल पार्क था वो सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। कान्हा किसली नेशनल पार्क जो सबसे पहले स्थापित किया गया था। कौन सा नगर नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा है? अब चार ऑप्शन है, इसमें से तीन शहर नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं, एक ऐसा शहर है जो नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा है। तो बुरहानपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा है। अब ये बता दो बस, बुरहानपुर किस नदी के किनारे बसा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षों में असमानता का प्रमुख कारण क्या है? बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश में जो असमानता है उस असमानता का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो राज्य की भौतिक बनावट क्या है, फिजिकली, फिजिकली जो ज्योग्राफिकल है वहां का, वो राज्य की भौतिक जो बनावट है वो असमानता का सबसे प्रमुख कारण है, क्या रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गोविंद वल्लभ पंत सागर का ही विस्तार उत्तर प्रदेश और आधा मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? अब ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, आप लोग को ये बराबर अटा हुआ है कि ये यूपी और एमपी का दोनों में विस्तार है, लेकिन एमपी का इसने अब जिला पूछ लिया, किस जिले में मध्य प्रदेश में विस्तार है? तो आपको पता होना चाहिए सीधी जिले में इसका विस्तार है। किस जिले में? सीधी जिले में मध्य प्रदेश में विस्तार है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सिवनी जिले में स्वतंत्रता संग्राम किसने प्रारंभ किया था? तो सिवनी जिले में जो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत है वो आपको पता होना चाहिए, जटार जी के द्वारा शुरुआत की गई। किसके? जटार जी ने शुरुआत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का जो उत्पादन है किस जिले में सर्वाधिक होता है? अब आप लोग पता होगा कि भारत में सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक होता है भारत में। अब पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में किस जिले में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, तो आपको क्या लगता है? क्वेश्चन नहीं आएगा, पूछा जा सकता है, सिवनी जिले में। कैसा? सिवनी जिले में सोयाबीन सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना है जो उत्तर प्रदेश के सहयोग से बनी हुई है? तो कौन सी है? केन बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सी है? केन जो परियोजना है, याद रखिएगा, केन परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दोनों के सहयोग से बनी हुई है। ठीक है, आज के लिए हमारा एपिसोड 19 समाप्त हुआ, और नेक्स्ट पार्ट 20 में हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। हमारा जो एपिसोड 20 होगा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नेट लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर टेस्ट सीरीज का आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, वीडियो पे मिलने का बहुत बहुत थैंक यू।